तो ये ओरिजिनल की नहीं है? नहीं, ओरिजिनल की नहीं है। जब ओरिजिनल की नहीं है तो मारुति का सिक्योरिटी सिस्टम एंटी थेफ्ट जो रहता है, हाँ हाँ, तो उसमें इशू नहीं आएगा? किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका कहते हैं वो आपको अगर गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो फिर आप क्लेम कैसे करेंगे। दूसरा, इस कार में जो मैंने खासियत देखी, बगस में 4 सिलेंडर इंजन है, तो कहने का मतलब ये साइलेंट इंजन है बहुत। नहीं, कोई कॉस्टिंग नहीं है, ऑफर में था वो, कुछ 30,000 का एक्सेसरी उन्होंने फ्री में दिया था। सर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हाँ, स्ट्रॉन्ग है, ये वुडन का है, सारे फीचर्स के अंदर है, सारे फीचर यूट्यूब से लेकर नेविगेशन, प्ले स्टोर, एवरीथिंग। सर आपके गाड़ी का मैंने जब की देखा था तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, तो एक बार मैं की दिखाना चाहूँगा। श्योर। लेकिन सर बहुत लोग बोलते हैं कि मारुति सेफ नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर सीरीज ऑफ ओनरशिप एक्सपीरियंस, ओनरशिप रिव्यू। सर को आप सब लोग पहचान रहे होगे, अगर नहीं पहचान रहे हो तो इट मीन्स दैट हमारा वीडियो आप अच्छे से नहीं देख रहे हो। बॉस हैं हमारे, और बॉस ओनरशिप एक्सपीरियंस क्रेटा का विथ बॉस नंबर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट। अभी हमारे पास हैं मैम जो कि इस कार की ओनर हैं, इग्निस है मारुति सुजुकी, और सर हैं को ओनर। मैम प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैं आकांक्षा मिश्रा, और ये कार मुझे गिफ्ट की है सर ने, बाकी इसके बारे में डिटेल सर बताएंगे। सर ने बॉस नंबर के साथ हमारा दिल जीत लिया था, और फिर यहाँ पे एक फैंसी नंबर 0143, तो सर इसका क्या राज है? इसका राज यही है कि इनकी ये नंबर इनकी चॉइस थी। ओके। इसके दो तीन मतलब हो सकते हैं। पहला नंबर आप मान सकते हैं, जीरो को अलग कर दें तो आई लव माई कार हो सकता है। करेक्ट, ठीक है ना। यूजुअली मैं बहुत कारों को पसंद करता हूँ, आई लव माई कार, तो इसलिए एक नंबर हो सकता है। दूसरा, कुछ और मतलब भी होते हैं, जैसे कुछ यूथ बोलते हैं आई लव यू 143 लाइक, तो समझ लीजिए ये प्यार जो है कार के लिए है। Correct. और जिसके पास कार है साथ उसके लिए भी है। सही बात है। तो सर जब आप ले रहे थे ये कार, और कौन सी कार आप देख रहे थे इस सेगमेंट में? अब मैंने इस सेगमेंट में सारी कारें लगभग ऑलमोस्ट देखी हैं। आप स्टार्ट कर लिए टियागो से, उससे नीचे सेगमेंट में गया, मतलब बजट वाइज में रेडिगो भी देखी मैंने, क्यूट भी देखी, उसके बाद मैंने नियोज भी देखी। कुछ इश्यूज थे मेरे, जैसे मैं चाह रहा था कि मुझे थोड़ी सी ऐसी कार मिले जिसका व्हील बेस थोड़ा बड़ा हो। okay. और मुझे जैसे मेरी एज़ पर माई हाइट की मुझे चलाने में या इंटर करने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, इस कार में जो मैंने खासियत देखी, बगस में 4 सिलेंडर इंजन है, तो कहने का मतलब ये साइलेंट इंजन है बहुत, बहुत केबिन नॉइज 0 के बराबर है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ के अंदर थी। दूसरा, मारुति एक ब्रांड है, सब जानते हैं, होममेड कंपनी है, तो एक रिलायबिलिटी एक अलग से बनती है। बिल्कुल। दूसरा, जो सबसे मेन चीज़ अट्रैक्ट करता है इस गाड़ी का, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन अगर जो कार फ्रेंडली नहीं है, जो कार के बारे में बहुत जानता नहीं जानता है, तो सोचेगा ये एसयूवी है, तो इसका लुक जो उन्होंने इन्हेंस किया है पिछली मॉडल से, तो वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अट्रैक्ट किया। इवन जो बाकी गाड़ियाँ मैंने देखी उनकी हाइट थोड़ी कम सी लग रही थी, और वो अट्रैक्शन सामने से वो नहीं दिख रहा जो इसमें दिख रहा था मुझे, जैसा कि आप देख सकते हैं। सही बात है। तो सर ये कौन सा मॉडल है? ये इग्निस का बेस मॉडल है, जिसको हम क्या कहते हैं, आई थिंक सिग्मा बोलते हैं, टॉप मॉडल सिग्मा। तो उसमें कन्वर्ट कर लिया ऑलमोस्ट सर ने। सर ने इसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन किया है, जैसे कि क्रेटा में किया था। या ऑफ कोर्स। तो मैम आपका क्या रिक्वायरमेंट था एक कार से, आप क्या चाह रहे थे? मैं ये चाह रही थी कि मुझे मेरे पास जो गाड़ी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एसी अच्छा हो, और सेकंड थिंग कि म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक फ्रेंडली है। हाँ, और इसके अलावा ये दोनों चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट तो मेरी फुलफिल हुई ही हैं। इसके साथ भी और बहुत सी चीज़ें मुझे मिली हैं जो मेरे लिए सरप्राइज थी, वो अभी आप आगे देखेंगे। ओके मैम, तो मैम को भी बहुत पसंद आई ये कार, रिक्वायरमेंट काफ़ी क्लियर था सर का। सर के हाइट की वजह से यहाँ पे जस्टिफाई करता है सर, पूरा का पूरा सीट कंफर्ट हो गया, या फिर अंदर जो लेग रूम, हेड रूम, सारा कुछ, मतलब कोई इशू नहीं है सर। सर कितना चला लिया आपने इस कार को? ऑलमोस्ट 3,500 के आसपास। ओके। और कितना टाइम से आप ये ओन कर रहे हो? 6 मंथ हो गया। 6 मंथ हो गया, 3,500 चली है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछते हैं लोग, माइलेज क्या देती है? माइलेज मतलब क्या बताऊँ, मुझे लगता नहीं कोई माइलेज ऐसी गाड़ी देती होगी। मुझे डेली ट्रिप में मैंने माइलेज करीबन 23-24 के आसपास क्लेम किया है। वाओ, दैट्स रियली नाइस, मतलब बहुत ही डिसेंट माइलेज। एक डीजल कार से हम लोग निकालते हैं तो खुश हो जाते हैं, ये पेट्रोल कार है और उसमें दे रही है, तो इट्स अ बिग डील। और सर आपको क्या लगता है, बूट स्पेस एंड ऑल ये सब सफिशिएंट है? बूट स्पेस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, मगर एज पर स्मॉल कार इट्स क्वाइट इनफ। 3 बैग आप अच्छे अच्छे रख सकते हैं उसके अंदर। okay. अगर आप क्या कहते हैं पार्शियल ट्रिप खोल लेते हो या सील्ड फोल्ड कर लेते हो तो अच्छा खासा बूट स्पेस आ सकता है। और इस कार की सबसे खासियत ये है कि अभी तक इसमें पीछे वाली सीट में एक आध बार ही कोई बैठा है। ओके।
तो इसलिए बूट स्पेस का प्रॉब्लम हमें हुआ नहीं कभी। तो मैम आप खुद ड्राइव करते हो, ड्राइविंग का कैसा एक्सपीरियंस है मैम आपका? बहुत ही स्मूथ चलती है और मुझे ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अभी तक तो, फिलहाल नहीं हुई है। इसके पहले मैम कौन कौन सी कार आप ओन कर रखे हो या कौन सी कार आप चलाते थे इसके पहले? इसके पहले मैंने मारुति अल्टो से सीखा है, ड्राइविंग सीखी है, वो मैंने 6 मंथ चलाई है, उसके बाद सेकेंड कार मेरी है। तो डिफरेंस फील हुआ होगा मैम अल्टो के बाद ये अपग्रेड करने में? बहुत बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छी कार है जैसा कि मैंने बताया। और फॉर लेडीज़ मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसको लेन चेंज करने में या फिर कोई? स्मूथनेस है, पूरा स्मूथनेस है, हैवी नहीं लगता है स्टीयरिंग कभी? नहीं नहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्मूथ चलती है और कम जगह में भी आप ड्राइव करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत लोगों की फर्स्ट कार ये बनती है, टियागो, सैंट्रो, ये इग्निस हो गई, तो ये सारी फर्स्ट कार सेगमेंट में या फिर एक बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छी कार है जिसमें से सर ने इग्निस चूज़ किया है। तो इग्निस में सर ने बताया जो कोई भी रीजंस थे, अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटेनेंस का अगर बात करें, रिलायबिलिटी मारुति की बहुत अच्छी है। सर आपने कोई सर्विसिंग कराया अभी तक? 2 सर्विसिंग कराई। ओके okay. और क्या कॉस्ट आया होगा अप्रॉक्सीमेट? पहले सर्विस तो 0 फिटिंग। ओके दूसरी सर्विस में से ख्याल से 1100-1200 का बिल आया था मेरा। वेरी नाइस। सर दिल्ली लेके आप जब गए थे तो कम्फर्ट के मामले में आपको क्या लगता है, कम्फर्ट में आप कितना रेटिंग दोगे इसको आउट ऑफ 5? कम्फर्ट 505 है। ओके कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी छोटी गाड़ी में जा रहा हूँ। इनफैक्ट केबिन स्पेस इतना अच्छा है कि कभी आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हैं। सर फ्रंट से आपने क्या कुछ मॉडिफाई कराया ये आप हमें बता सकते हो? फ्रंट से बताना चाहूँगा, मैंने मॉडिफिकेशन काफ़ी कुछ कराया इसमें। इनफैक्ट जब मैंने गाड़ी परचेज की उस समय भी कुछ ऑफर्स थे मारुति की तरफ से, शोरूम की तरफ से, लाइक उन्होंने एक पीछे वाला क्या कहते हैं वो क्या बोलते हैं स्पॉइलर दिया हुआ है, ठीक है, ये इन्होंने क्या कहते हैं ये व्हील कैप दिए हुए हैं, मड फ्लैप दिए हुए हैं, और उन्हें छोटा सा एक म्यूजिक सिस्टम दिया था स्क्रीन टच। मुझे वो लगाने के बाद से ही पसंद नहीं था क्योंकि 2 स्पीकर के साथ था वो, तो मैंने प्लान यही किया था कि एज पर माई चॉइस मैंने क्रेटा को अपग्रेड किया था तो मैं दिल्ली ले जाऊँगा उसको अपग्रेड करूँगा। तो दिल्ली हम लोग प्लान के गए और हमने काफ़ी चीज़ स्टार्टिंग करी, मैं करूँगा आपके। सबसे पहले मैंने इसकी HID चेंज करी है। ओके हेलोजन से मैंने HID लगाई है, इनफैक्ट फोग लैन भी इसमें दिए थे उन्होंने कंपनी ने, मगर इसको भी मैं HID में कन्वर्ट किया है, ठीक है। हाँ। उसके बाद जो दूसरा बड़ा चेंज मैंने किया है वो अंदर मैं आपके अंदर ले जाना चाहूंगा, बाहर को ज्यादा नहीं है, बाहर से थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं। हाँ। ये क्रोम लगे, क्रोम की हो रखी है, क्रोम बीडिंग हो रखी है, ये विंडो गार्निश है एंड दिस इज यू नो ये पट्टी एक लगी हुई है जो बड़ा अच्छा फील देती है। हैंडल ग्रैप में क्रोम हो गए हैं एंड ये डोर प्रोटेक्टर हो गया है और बाकी जो है मॉडिफिकेशन अंदर हुआ है इसमें। पीछे से आप देखेंगे तो पीछे से भी ये क्रोम लगा दिया है कि थोड़ा सा गाड़ी के लुक को इन्हेंस करता है ये, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी लगता है और इन्हेंस भी करता है। करेक्ट। अब साथ ही साथ मैं ये देखा ये जो कैमरा है, कैमरा उन्होंने कंपनी की तरफ से था बट मैंने उसको कैमरे को दूसरा लगाया है, इसमें चेंज किया है बिकॉज मुझे वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो रिवर्स सेंसर सर पहले से आ रहा था या आपने लगवाया? हां सेंसर इनबिल्ट है। ओके सेंसर इनबिल्ट है, ये स्टॉक है ये। ओके सेंसर आपका स्टॉक है, 4 सेंसर आ जा रहा है, कैमरा अलग से लगवाया सर ने, बेस मॉडल है ये और सर ने गार्निश करवाया है, रिफ्लेक्टर सर रिफ्लेक्टर ऐसे ही था एज इट इज, और स्पॉइलर लग रहा है मेरे को एडिशनल है, एडिशनल मिले। ओके ये कंपनी से फिट करा, कंपनी से मतलब ऑफर में था। ओके तो कितना कॉस्ट किया सर इसका? नहीं कोई कॉस्टिंग नहीं, ऑफर में था वो, कुछ 30,000 का एक्सेसरी उन्होंने फ्री में दिया था। ओ वाओ उस समय ऑफर चल रहा था, कुछ ऑफर कुछ चल रहा था शायद। सर ऑन रोड आपको ये कितने की पड़ी? ऑन रोड मैं बोलूँ तो मतलब मेरा मॉडिफिकेशन के अलावा जो मुझे पड़ा है वो 585 पड़ा है। 585 ऑन रोड पड़ा है, ऑन रोड प्राइस लखनऊ है ये। 585 में सर आप सैटिस्फाइड हो पूरा का पूरा? हाँ बिल्कुल सैटिस्फाइड है। और ओवरऑल एक्सेसरीज आपने एक्स्ट्रा कितना? अराउंड 45,000 का, 45,000 आपने स्पेंड किया एक्सेसरीज पे। चलते हैं सर अंदर को देखते हैं और क्या कुछ मॉडिफाई कराया आपने। मीना जी मैं आपको बताऊं कि जो मैंने अंदर मॉडिफिकेशन किया है, सबसे फर्स्ट वाला भी देख ही सकते हैं और स्क्रीन हमारा टच स्क्रीन सारे फीचर्स के अंदर है, सारे फीचर यूट्यूब से लेकर नेविगेशन प्ले स्टोर एवरीथिंग, मतलब पूरा एंड्रॉइड सिस्टम है ये। इसमें पहले क्या था सर? पहले उन्होंने एक्चुअली में एक्चुअली स्टॉक में कुछ नहीं आता है बट शोरूम की तरफ से जो एसेसरी मिल रही थी उसमें गिफ्टेड, उसमें एक छोटा सा सिस्टम था स्क्रीन, वो कुछ पोनियर कंपनी का था समथिंग, और जो मुझे बिल्कुल बेकार लग रहा था तो मैंने प्लान ये किया था मुझे चेंज करने के लिए। साथ में 2 स्पीकर उन्होंने दिए थे तो मैंने दोनों स्पीकर को हटवा के साथ में कोएक्सियल और साथ में क्या कहते हैं वो भी लगवाया मैंने, कंपोनेंट भी लगवाया। ओके और साथ ही साथ जैसा कि मैडम बताया कि म्यूजिक उनकी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने बूफर भी सेट करवाया पीछे। वेरी नाइस। तो ये मैंने कराने के बाद फिर एक आप सबसे बड़ी चीज़ है छोटी गाड़ियों में ये आर्मरेस्ट नहीं होता है। करेक्ट आर्मरेस्ट कोई एनीथिंग यू कैन से
ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिकॉज आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका ये एक हाथ ये बिल्कुल नीचे स्लाइंटिंग होता रहता है, तो ये बहुत बेसिक कंफर्ट आपको मतलब 100% कंफर्ट आपके कंफर्ट बढ़ा देता है ये। तो ये सेट कराइए, ये SSC का पार्ट है और ये मेरे ख्याल से ये रेडीमेड आता है, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर इसको कर सकते हैं। और ये कितने की पड़ी सर आपको? ये मुझे शायद 1200 का पड़ा ही है। ओके, है ना, है ना, 1200 का ही पड़ा है मुझे, क्योंकि ये अलग से ही हुआ था। और सर ये स्क्रीन आपको कितने की पड़ी? ये स्क्रीन उन्होंने पिछली स्क्रीन मुझसे रिप्लेस करके मुझे 9000 रुपए का दिया, 9000 का ही पड़ा है। और पूरा ओवरऑल म्यूजिक सिस्टम में आपको सारी चीजें बताऊँ तो लगभग करीबन 22000 का पड़ा है मुझे। तो मेन एक्सपेंस जो है इसमें हुआ है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे एक लाइट आ रही है, एम्बिएंस लाइट आ रही है, ये बड़ी अच्छा लुक देती है, खासकर नाइट में हम गाड़ी चलाएं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। उसके कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये रिमोट ऑपरेटेड है, रिमोट ऑपरेटेड है, है ना, इसका रिमोट कहीं पर पड़ा होगा इसमें। हां, ये रिमोट ऑपरेटेड है। ये भी ऑनलाइन ऑर्डर किया सर आपने? नहीं नहीं, ये वहीं से एसेसरी के पार्ट है। बाकी स्टीयरिंग रैप है इसके अंदर और नीचे आपने देखा 70 मैट्स लगे हुए हैं। सर म्यूजिक सिस्टम जो आपको लगा, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लग रहा है इनबिल्ट है, इनबिल्ट मतलब है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है या इनबिल्ट है सर? मतलब नहीं, ऐसा नहीं, था मारुति उन्होंने ऐसे लगा के दिया, मारुति में नहीं था ये। ओके, ये उन्होंने ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है? हां एक्स्ट्रा है, ये उन्होंने लगा के दिया है, शॉप वालों ने हमें लगा के दिया है। वेरी नाइस सर। आपके गाड़ी का मैंने जब की देखा था तो मैं काफी इंप्रेस हो गया था, तो एक बार मैं की दिखाना चाहूंगा। श्योर, ये देखिए की तो ऐसा इग्निस का की नहीं आता है, ये सर ने स्पेशली डिजाइन करवाया है और ये थोड़ा सा BMW वाला लुक आपको देने वाला है, बट इसमें मारुति का लुक जरूर है। बिल्कुल। तो सर ये कहां से करवाया आपने और कितने का पड़ा आपको? ये दिल्ली कारोबार से कराया, ये मुझे 1000 रुपीज का पड़ा है। बस 1000 का पड़ा। वेरी नाइस। उन्होंने मेरी की को लेके उसका रिमोट सेंसर इसमें ट्रांसफर कर दिया है। मतलब की मेरी एज इट इज अभी पड़ी हुई है, बट उसका सेंसर जो है इसमें ट्रांसफर हो गया है और बाकी की का ये शेप बना दिया है जिससे सेंसर काम कर रहा है, इन का लॉक अनलॉक का एंड ये चाबी काम कर रहा है। और की सर जैसे डालते हो आप, तो ये ओरिजिनल की नहीं है? नहीं, ओरिजिनल की नहीं है। जब ओरिजिनल की नहीं है तो मारुति का सिक्योरिटी सिस्टम एंटी थेफ्ट जो रहता है, हाँ हाँ, तो उसमें इशू नहीं है? नहीं, उसमें नहीं, उसमें कोई कंटिन्यू नहीं किया हुआ है, पूरा एज इट इज सेंसर को उसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। ओके ओके। तो कहने का मतलब एक चाबी जो मेरी, जैसे दो चाबी मिलती है तो एक चाबी मेरी वो हो गई है, एक चाबी का सारा सिस्टम इसके अंदर आ गया है। okay. एक चाबी मेरी मतलब बेकार हो गई है, उसके बदले में ये मुझे मिल गई है और दूसरी ऑलरेडी एक चाबी है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका कहते हैं वो आपको अगर गाड़ी आगे भी चोरी हो जाती है तो फिर आप क्लेम कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई चाबी मेरे सेंसर दोनों मेरे पास है, तो दो चाबी मैं दिखा सकता हूँ कि दोनों चाबी सेंसर मेरे पास, एक का सेंसर इसमें सेट है, तो मतलब एक गाड़ी का सेंसर दूसरी गाड़ी में नहीं हो सकता, इट मींस ये मेरी गाड़ी का ही सेंसर है। तो सो दैट मैं इसको क्लेम कर सकता हूं कि भाई मेरी गाड़ी की चाबी यही है। सही बात है, खाली सेफ से फर्क नहीं पड़ता, उसके सेंसर से फर्क पड़ता है। ठीक है, मेक सेंस। सही है सर। और सर ये ब्लू कलर जो इंसर्ट्स हैं, ये कार के कलर के साथ इग्निस में आता है ना, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है सर। इसमें आपने म्यूजिक सिस्टम का जो स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंट, एक्चुअली में जब मैं गया था तो उनके पास अवेलेबल नहीं था। ओके ओके। तो उन्होंने बोला, दूसरा मैंने सोचा कि बहुत छोटी गाड़ी है तो इजीली आपका जैसे क्रेटा आपने देखा होगा, थोड़ी बड़ी गाड़ी है, यहाँ तक आपको हाथ ले जाना पड़ता है, तो ये बहुत इजीली हैंडल हो जाता है, तो इतना कोई इशू नहीं था उसका। नहीं, 70 मैट लगवा रखा है सर ने। एंड सर लेदर सीट्स जो है, मेरे को सीट का फिटिंग भी काफी अच्छा लगा, तो सीट फिटिंग आपने कहाँ से करवाई? ये भी करोल बाग या? नहीं नहीं, ये लखनऊ में ही कराया था। ओके, लखनऊ में। तो ये कंपनी से नहीं कराया आपने? कंपनी से नहीं कराया। नाइस। कितने की पड़ी सर सीट कवर आपको? सीट मुझे लगभग पड़ी है 4500 की। 4500 की। नाइस डील, नाइस डील, बहुत अच्छा डील है 4500 में। बहुत लोग बाहर पे कर देते हैं 9000 या फिर इनफैक्ट एक्सेसरीज, मारुति का जो जेन्युइन एक्सेसरीज है उसमें भी 8-10 हज़ार का रहता है। तो मैं सर से पूछ के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कहाँ से सर ने करवाया है वो भी डिटेल डाल दूंगा, सो दैट अगर आपको कुछ करवाना है तो आप करवा सकते हो। ऐसा पीछे चले सर, आगे के लिए इतना ही था। ठीक है, पीछे आप देख सकते हैं कि खाली क्या कहते हैं सीट कवर का ही है, 70 मैट्स हैं और ये करवाया जा सकता था। Okay. चूंकि ऐसा है कि मैडम लगभग सिंगल गाड़ी चलाती हैं और ज़्यादातर हम दो लोग ही बैठते हैं, तो कोई यूज़ नहीं है इसका और Correct. पीछे वाले को कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता कि वो इजीली हैंडल को अप डाउन कर सकता है। बूट स्पेस देखते हैं और बूट में आपने क्या करवा रखा है वो देखते हैं। हाँ, बूट में ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने ये पार्शियल ट्री लगवाई है। ओके okay. जो इस मॉडल में नहीं आती है, बेस मॉडल में, और एक मैडम की जो चॉइस थी एक बेस ट्यूब लगवाया इसमें अच्छी साउंड म्यूजिक के लिए, तो ये बस दो चीज़ें इसके अंदर है। सर ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हाँ, स्ट्रॉन्ग है, ये वुडन का है। ओके, ये जो मारुति के एक्सेसरी उसमें नहीं आता है ये। okay, आता भी है तो वो बहुत
ऐसा होता है, मतलब लूज होता है. तो फिर मैंने सोचा कि ये लकड़ी का वुडन बना दिया ताकि इसमें कोई भी हैवी चीज आप रख सकते हैं. अगर मैं बुफर को हटा दूं तो आप देख सकते हैं कम से कम तीन सूट के साथ रख सकते हैं और एक बड़ा सा बैग इसके ऊपर भी आप रख सकते हैं. ठीक है ना. हाइपरसोनिक का एम्पलीफायर वाला बुफर लगवा रखा है तो साउंड सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है इसका. तो अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है सर इस कार से आपको, ये मान लें हम? नहीं. तो डेफिनेटली एक मारुति के कार से मोस्टली कंप्लेंस नहीं आती है और वही एक केस है यहाँ भी. तो आई होप सर का एक्सपीरियंस आगे भी इस कार के साथ बहुत अच्छा रहे. सेफ्टी के लिए सर आपको क्या लगता है इसमें एयरबैग एबीएस? दो एयरबैग हैं इसमें और एबीएस भी है इसमें शायद. एबीएस है शायद, होना चाहिए. एबीएस एंड दो एयरबैग मैंडेटरी हो गया था एज पर एबीएस है इसमें इंडियन नॉर्म्स. एबीएस है तो होना चाहिए. लेकिन सर बहुत लोग बोलते हैं कि मारुति सेफ नहीं है. मारुति सेफ कहने का मतलब यही होता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो होती है थोड़ी सी बाकी गाड़ियों से कंपैरिजन कम होती है. तो आपको ऐसा फील हुआ कभी? नहीं, क्योंकि मैं उतना स्पीड में कभी चलाता नहीं उसको. यूजुअली ये बिल्ड क्वालिटी उनके लिए बहुत नेसेसरी होती है जो हाईवे पे ज़्यादा चलते हैं. Correct. और जो 100 की स्पीड से ऊपर चलते हैं. बाकी नॉर्मल आप सिटी में चलने के लिए और क्या कहते हैं छोटी छोटी दूरी को तय करने के लिए मेरे ख्याल से लगता नहीं कि इतनी बिल्ड क्वालिटी की ज़रूरत है आपको. बट डिपेंड करता है कि थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है तो अच्छी बात होती है. बट मारुति की सारी गाड़ियों का लगभग यही है मेरे हिसाब से. तो आप इसमें ये नहीं बोलोगे कि आप डिससैटिस्फाइड हो क्योंकि आप पहले से जान रहे हो? हाँ. लेकिन क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट में वो फिट बैठ रहा है. हाँ. तो आपने इसीलिए, क्योंकि ये मुझे सिटी राइड के लिए गाड़ी चाहिए. Correct. थी और सिटी राइड में आप जानते हैं 40 के ऊपर आप कभी चला नहीं सकते हैं. तो 40 में अगर गाड़ी आपकी कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है. ये प्रॉब्लम होती है जब हाईवे आप चलते हैं अबव 100 चलते हैं तो लगता है कि अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होता है उसमें बिल्ड क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, सारे एयर बैग्स होने चाहिए. सर हाईवे पे जब आप दिल्ली गए थे तो आपने बताया कि 500-600 किलोमीटर है यहाँ से करीब 550 के अराउंड. तो क्या स्पीड आपने मेंटेन किया था सर? मैंने 80-90 किया था. ओके. 100 के ऊपर नहीं क्रॉस? नहीं, 100 ऊपर. बहुत लोग कहते हैं सर 120-140 के ऊपर थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, तो ऐसा कभी आपने चलाया है? अगर हाँ, मैंने एक्चुअली क्या पहली चीज़ किया था कि गाड़ी लेने के कुछ 4-5 दिन बाद ही हम गए थे. तो जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं कि जब तक आपकी फर्स्ट सर्विस नहीं हो जाती आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा रेस नहीं करनी चाहिए बिकॉज इंजन उस तरह के स्मूथ नहीं होता है और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, माइलेज इफेक्ट है. तो मैं कभी भी कोई भी नई गाड़ी लेता हूँ तो उसको एक लिमिट स्पीड तक ही चलाता हूँ. हाँ, उसके बाद मैं कभी जाना हुआ नहीं इसका लॉन्ग रूट में. मगर एक बार मैं जब इधर किसी मंदिर गया था तब मैंने एक बार 100 से ऊपर चलाया था. तो 100 के ऊपर आपको शेकिंग वेकिंग महसूस तो नहीं होता है बट थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ी हल्की गाड़ी लगती है, मतलब हैवीनेस एसयूवी में फील होता है वो फील कम होता है इसमें. स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाता है. ठीक है सर, आई होप इसके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे आगे भी. थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच मैम. बहुत अच्छा लगा सर के साथ हम लोग को. सर लव्स कार एंड वी ऑल्सो लव कार, इसलिए हम लोग का बॉन्ड एक अलग सा बन गया है. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर कोई डाउट है वीडियो में तो डू लेट अस नो. सर के लिए अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग को बताना, हम लोग उसको लेके आएंगे. अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सर.